वेलकम। डॉक्टर नायक नमस्कार। मैं सुधा जैन पारिवारिक न्यायालय में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। अभी आपने बताया कि हम महिलाओं के लिए, हमारे मुस्लिम धर्म में हम महिलाओं को बहुत 75% हम सम्मान देते हैं, उनके अधिकार हैं, उनके राइट्स हैं। तो मेरा एक सवाल ये है जो कि मैं आए दिन देखती हूँ कि जो आपके जो मुस्लिम धर्म के अनुसार जो तलाक का जो सिस्टम है, 3 बार तलाक देने के बाद उस पर जो इद्दत पीरियड का जो केवल मेंटेनेंस मिलता है, उसके बाद एक अनपढ़, एक ऐसी महिला जो अपना सोर्स ऑफ इनकम उसका कुछ भी नहीं है, उसको किसके सहारे पर छोड़ दिया जाता है? हमारा धर्म जो मुस्लिम धर्म है उसमें कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे कि ऐसी महिलाओं को जीवन जो आसानी से कट सके। थैंक यू। बहन ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। उन्होंने ये कहा कि इस्लाम मज़हब में जब किसी का तलाक होता है तो बहुत से अनपढ़ ख़वातीन जिन्हें इल्म नहीं होता, उनको जीने के लिए कुछ पैसा नहीं होता, तो कुछ ऐसा मेंटेनेंस जिस तरीके से होना चाहिए कि नहीं। जो इसके मेन वजह है, जो आज के माशरे में ये हो रहा है, वो है कि इस्लाम का कम इल्म होने के वजह से ये चीज़ हो रही है। अगर हर इंसान इस्लाम मज़हब को सही तरीके से समझ सके तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हुकूक ख़वातीन के इस्लाम में है वो कोई भी मज़हब में नहीं, कोई भी सोसाइटी में नहीं है। पहला चीज़ ये कि हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में आमतौर पे किसी की शादी होती है जब, तो अक्सर औरत मर्द को दहेज देती है, उसे कहते हैं डाउरी, डाउरी देती है आमतौर पे। और इस्लाम में उल्टा है। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 4 में कि जब भी आप शादी करो तो अपनी होने वाली बीवी को एक गिफ्ट दो, तोहफा दो, हम जिसे कहते हैं मेहर। मेहर निकाह होने के लिए फर्ज है। हमारे इस देश में आमतौर पे उल्टा होता है कि वो औरत होने वाले मर्द को दहेज देती है, और मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। अगर वो डॉक्टर है तो मांगेगा 1 करोड़ रुपया या 10 लाख, डिपेंड कौन से इलाके से आता है। इंजीनियर है तो 5 लाख, ग्रेजुएट है तो 1 लाख, जैसे भेड़ बकरियों का बिकते हैं। और अफसोस की बात है, कई मुसलमान भी इसको अमल करते हैं, बिल्कुल गलत है। इस्लाम में दहेज लेना औरत से जबरदस्ती बिल्कुल हराम है। उल्टा होने वाले शोहर को मेहर देना चाहिए और अपने बराबर का मेहर देना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि दहेज लेना छोड़िए, अगर हिंट भी देना, दहेज को हिंट देना कि मेरा बेटा मसरी कार में घूमना चाहता है, हिंट दे रहे कि उसको दहेज में मसरी कार चाहिए। मेरे बेटे को 4 बेडरूम फ्लैट में रहने की आदत है, इंडिकेशन हिंट दे रहे कि मुझे दहेज में 4 बेडरूम का फ्लैट चाहिए, ये बिल्कुल इस्लाम में हराम है। जबरदस्ती मांगना, अगर खुशी से, अगर उस लड़की के वालदेन कुछ देना चाहते तो आप ले सकते खुशी से, जबरदस्ती आप ले नहीं सकते, ना आप उसको हिंट दे सकते कि मुझे फ्लैट दो या पैसा दो। इस्लाम में उल्टा है। इस्लाम में औरत को मेहर मिलता है शादी में, और मेहर निकाह होने के लिए फर्ज है, और मेहर ये खुद औरत भी तय कर सकती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी जब तक आप मुझे 1 लाख रुपया नहीं देंगे। वो अलग बात है कि वो गरीब शोहर है, गरीब आदमी है, बोलेगा मैं 1 लाख नहीं है, आप कोई दूसरे मर्द को ढूंढो, मैं दूसरी लड़की को ढूंढूंगा, ये भी जायज है। तो वो लड़की दूसरे शोहर को ढूंढेंगी, ठीक है ना। लेकिन वो कह सकती है मुझे 1 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, कुछ भी कह सकती है। अगर शोहर के पास कुत हो देगा, नहीं कुत है तो नहीं देगा। इसीलिए अरब ममालिक में लड़की लोग इतना डिमांड करते हैं कि उनको अरब खवातीन से शादी करना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि वो जानते हैं अपने हुकूक को। सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 20 के आयत में लिखा है कि आप उन्हें सोने का पहाड़ भी दे सकते हैं मेहर में, और आप उसे एक आयत भी सिखा सकते हैं, वो भी मेहर है। अगर आपके पास पैसा नहीं है और वो आदमी कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं आपको कुरान शरीफ की आयत पढ़ के सुनाऊंगा, वो भी मेहर हो गया। तो मेहर की कोई हद नहीं है, ना नीची हद है ना ऊपर हद है, अपने अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग वो मेहर तय कर सकते। और ये मेहर की कई वजह है। एक वजह है कि मिसाल के तौर पे
उस लड़की के वालदेन ने उसकी परवरिश की, उसे ग्रेजुएट बनाया, तालीम के ऊपर खर्चा किया, तो मेहर मिलने के बाद उस औरत की वो अपनी जायदाद हो जाती है। वो चाहे अपने वालदेन को दे, चाहे खुद रखे, या उसको कोई बिजनेस में लगा दे, कोई तिजारत में लगा दे, उसका हक है। तो मेहर उसकी खुद की जायदाद है, वो कुछ भी कर सकती है, और मेहर का कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और उसके अलावा ये मेहर अगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अगर तलाक होता है, डिवोर्स होता है, तो ये मेहर उसके काम आ सकता है। लेकिन लोग को गलत फहमे का मेहर सिर्फ तलाक के लिए, ऐसा नहीं बात है। वो मेहर लेके खुद को बिजनेस में लगा सकती है, अपने वालदेन को दे सकती है, और जहाँ तक कि उसका खुद का सवाल है, इस्लाम के अंदर जितने फाइनेंशियल एस्पेक्ट से खर्चा उसका, शादी के पहले जिम्मेदारी है उसके वालिद की और उसके भाई की, शादी के बाद ये जिम्मेदारी उसके शोहर की और उसके बेटे की, ऑल फाइनेंशियल एस्पेक्ट, लॉजिंग, बोर्डिंग, क्लोथिंग, खाना पीना, कपड़ा, सब। उसको कमाने की जरूरत नहीं, ये हक है मर्द को देने का। तो फाइनेंशियली शी इज मोर स्ट्रांग, शी इज वेरी स्ट्रांग फाइनेंशियली। जहां तक के माली हालात में इस्लाम में औरत का दर्जा बहुत ऊंचा है। जहां तक के बहन ने सवाल पूछा कि तलाक होने के टाइम पे उसे मेंटेनेंस क्यों नहीं मिलता, बहुत अहम सवाल है। पहला हम ये जान ले कि जब अल्लाह सुबहाना व ताला खवातीन को इतने हुकूक दिए, हुकूक देने के बावजूद अल्लाह सुबहाना व ताला अदल करते हैं, जस्ट है, क्योंकि जब भी तलाक होता है, जब भी तलाक होता है, घाटे में जाता है मर्द इस्लाम में ज्यादा, क्योंकि जब तलाक होता है उसे अगर वो मेहर नहीं दिया होगा देना फर्ज हो जाता है, भले वो मेहर 50,000 हो, 1,00,000 हो, 5,00,000 हो, 10,00,000 हो, वो उसे तय करना चाहिए। जब मेहर देता है तो औरत का नुकसान कुछ नहीं होता, और तलाक होने के बाद आदमी भी शादी कर सकता है, औरत भी शादी कर सकती। जब तलाक हो जाता है उसे मेहर तो मिल जाता है, जब नई शादी करती है नया मेहर मिलता है। आप सोचिए, आदमी जब नया शादी करता है उसको नया मेहर देने पड़ता है, तो आदमी नुकसान में है। अगर आप ये कहेंगे कि तलाक होने के बाद आदमी मेंटेनेंस भी औरत को दे, तो हम कहेंगे ये अल्लाह सुबहाना व ताला हक के नहीं है, नऊज बिल्ला, ऐसा कर ही नहीं सकते। नहीं तो मुझे लेक्चर देने पड़ेगा आदमी के हुकूक इस्लाम में, मैं अक्सर तकरीर करता हूँ औरतों के हुकूक। लेकिन जो लोग इस्लाम के बुनियादी बात को नहीं समझते, उन्हें ये गलत फहमी है कि औरत का नुकसान हो रहा है। औरत का नुकसान नहीं हो रहा है, और औरत को कुछ भी अगर चीज़ की ज़रूरत है, जैसे मैंने कहा, आदमी का हक बनता है कि उसे दे, शादी के पहले उसके वालिद और उसके भाई, शादी के बाद उसके शौहर और उसके बेटे, और अगर ये नहीं भी दे तो माशरे का फ़र्ज है कि औरत को संभाले। माशरा नहीं कर सकता है, अगर इस्लामिक हुकूमत है, हुकूमत का फ़र्ज है कि औरत को संभाले, उसकी परवरिश करे, ये इस्लाम में। लेकिन अगर आप उसके बाद कहेंगे तलाक होने के बाद आदमी उसे हर महीना और 1,000 रुपया दे, 5,000 रुपया दे, तो ये आदमी पे जुल्म होएगा। लेकिन जो मेहर तय होता है शादी के पहले निकाह में, क्या मुझे चाहिए 5,00,000 रुपया, उसे वो संभाल सकती है, उसे कोई तिजारत में लगाए और उसकी आमदनी ले सकती है। अगर कोई शक है कि हो सकता है मेरा तलाक, कभी भी शादी होती तो तलाक का गुमान तो रहता नहीं दिमाग में कि तलाक होने वाला है, हो सकता है। लेकिन इसके लिए इस्लाम ने उसे अल्हम्दुलिल्लाह कई चीज़ें से हिफाजत की है। तो मेहर जो है उसे कई फ़ायदे हैं, और उसके बावजूद हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अगर कोई आदमी अपनी बेटी जिसका तलाक होता है उसकी हिफाजत करते हो तो बहुत सवाब मिलता है। तो इस्लाम में जो तलाकशुदा औरत है उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कई तरीके हैं जिससे उसकी हिफाजत की जाती है। जो आप जो कह रहे हैं वो यहाँ के माशरे के बारे में कह रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ के ख़वातीन को अपने हुकूक खुद पता नहीं, उनकी गलती है, इस्लाम की नहीं। हमारे ख़वातीन और हमारे मर्द खुद नहीं जानते, तलाक कैसा देना जानते नहीं, गलती किसकी, इस्लाम की। इस्लाम की नहीं, इस्लाम के फॉलो करने के मुसलमान की। अगर आप इस्लाम को जानना चाहते हैं तो मुसलमान को मत देखिए, जिस तरीके से आज मैंने कहा। आप अगर मर्सिडीज कार को जानना चाहते कितनी अच्छी है, अगर कोई ड्राइवर जो ड्राइविंग नहीं जानता है उसके पीछे बैठा स्टीयरिंग व्हील के ऊपर और मर्सिडीज कार को ठोक लेता है, तो गलती किसकी, मर्सिडीज कार की क्या ड्राइवर की, ड्राइवर की। उसे मर्सिडीज कार चलाने आता नहीं,
तो इसीलिए इस्लाम को अगर जानना चाहिए तो आप कुरान को पढ़ना चाहिए और सही हदीस को। यह अफसोस की बात है कि कई मुसलमान खुद नहीं जानते कुरान और हदीस में क्या लिखा है, किस तरीके से तलाक देना चाहिए, किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए अपनी बीवी के साथ। इसीलिए मैं तकरीर कर रहा हूँ तो लोगों को कुरान और हदीस के करीब लेके आऊँ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।